वेलकम स्टूडेंट्स टू आर चैनल गुरु सज्जाद, और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए पैराग्राफ राइटिंग की एक नई वीडियो। इससे पहले हम अपने चैनल पर पैराग्राफ राइटिंग की फॉर्मेट और पैटर्न्स की वीडियोस डाले थे, और बहुत ही सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे स्पेसिमेन पैराग्राफ्स के वीडियोस भी डाले हुए हैं। अगर आपसे वो सारे वीडियोस मिस हो गए हैं या आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा, तो आप आराम से हमारे चैनल पर जाके वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर ग्रामर पोर्शंस की सारी टॉपिक्स की कवरेज वीडियोस मिल जाएगी, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो या फिर पैराग्राफ राइटिंग हो। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे चिल्ड्रंस डे के ऊपर। आज का टॉपिक है चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे बेसिकली इंडिया का एक नेशनल हॉलीडे होता है, जिस दिन हम बच्चों के दिन को मनाते हैं। और ये डे हम इसलिए मनाते हैं बिकॉज इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे है, जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। सो इसीलिए उनके बर्थडे के दिन हम इंडिया में चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, एक ऐसा दिन जो बच्चों को डेडिकेट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। Children's Day is celebrated in the schools to focus on children and their enjoyment. So Children's Day school में celebrate इसलिए किया जाता है, celebrated का मतलब होता है मनाना, और focus का मतलब होता है उस पर ध्यान देना। तो Children's Day को school में इसीलिए celebrate किया जाता है ताकि बच्चे उस दिन अपने enjoyment कर सकें और वो ये देख सकें कि एक दिन उन्हें भी dedicate किया गया है। Even after being eminent figure and national leader, he loved children so much and spent a lot of precious time with them. So, being an eminent figure मतलब बहुत ही बड़े figure of Indian national leaders, जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था और उन्हें बहुत अच्छा लगता था अपना time spend करना बच्चों के साथ। It is celebrated with great joy in schools and educational institutes all over the India to mark it as a grand festa. तो ये all over India में celebrate किया जाता है सारे educational institute में, ताकि India में एक grand festa mark हो जाए कि इस दिन को India dedicate करता है अपने बच्चों के लिए, अपने youth के लिए। Schools remains open at this day so that every child may attend the school and participate in numerous activities and events. तो स्कूल इस दिन खुले रहते हैं और सभी बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, स्कूल जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ और इवेंट्स में। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, तो हर स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे खुश रहें, खुशी मनाएं और इन्जॉयमेंट करें। और इन्हीं सारे इवेंट्स में बच्चे खेलते कूदते और अपना दिन सेलिब्रेट करते हैं। वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द टीचर्स फॉर स्टूडेंट स्पीच, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, क्विजेस, स्टोरी टेलिंग, पोएम रिक्रिएशन, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशंस, डिबेट्स एंड सो मैनी। तो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, बहुत सारे टीचर बच्चों के लिए स्पीच बनाते हैं, और सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, क्विजेस, स्टोरी टेलिंग, ये सभी अलग अलग इवेंट्स बच्चों के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं ताकि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, खेलें कूदें और मज़े करें। डिबेट्स, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, ये सारी तरीके के भी कॉम्पिटिशन होते हैं ताकि बच्चे पार्टिसिपेट करें और अलग अलग तरीके के प्राइजेस जीत कर खुश हो सकें। Winning students are motivated through rewards by the school authority. तो जो बच्चे जीतते हैं उन्हें motivate किया जाता है, मतलब प्रोत्साहित किया जाता है, rewards मतलब इनाम देके जो school उन्हें देते हैं। तो जो भी बच्चे इन सारी competitions में part लेते हैं वो जीतते हैं और उन्हें इनाम दी जाती है। Organizing events is not only responsibility of the teacher but also the social and corporate institutions. तो चिल्ड्रंस डे में फेस्टिवल मनाना या फिर कुछ भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सोशल और कॉरपोरेट इंस्टीट्यूट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि उस जगह के बच्चे खुश हो रहे, खेल रहे और अपने देश को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Students fully enjoy this day as they can wear any formal and colorful dress as they wish. और बच्चे इस दिन बहुत बहुत मस्ती करते हैं, बिकॉज जो एक बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट विश होती है कि हम कलरफुल ड्रेस में स्कूल जाए, एज हमेशा स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनी जाती है, तो बच्चों को एक दिन छूट दी जाती है कि वो कलरफुल और फॉर्मल ड्रेस पहनकर स्कूल जाए और अपने डे को सेलिब्रेट करें। At the end of the celebration, students are distributed sweets and luxurious delicacies as lunch. तो जैसे events और celebrations ख़त्म होते हैं schools में children's day के, तो बच्चों को sweets distribute किए जाते हैं, lunches distribute किए जाते हैं, और जैसे जैसे school की capacity होती है gifts, luxurious things और luxurious lunches, वैसे वैसे बच्चों को चीज़ें दी जाती है।
Teachers also participate in various cultural activities like dramas and dance for their beloved students. तो यहाँ beloved का मतलब होता है उनके प्यारे students. तो teachers भी अपनी प्यार जताने के लिए, अपनी स्नेह जताने के लिए बहुत सारे cultural events में, dramas में part लेते हैं, act करती है, dance करते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को दिखा सके कि उनके प्रति उनके दिल में कितना प्यार है और वो अपने बच्चों को कितना मानते हैं. Students also enjoy picnics and tours with their teachers. बहुत सारे schools इस दिन में बच्चों को tours या picnic पे ले जाते हैं ताकि वो बच्चों के दिन मना सके. Like in the field they play cricket or several matches or games, जिससे बच्चों के पूरे दिन उनका engagement लगा रहे और वो मस्ती करें. At this day, special programs are run by the media on TV and radio specially for children to honor them at Children's Day, as they are future leaders of the nation. तो इस दिन TVs में भी बहुत सारे programs दिए जाते हैं medias के through, ताकि बच्चों को बहुत अच्छा लगे, बच्चे वो सारे programs देखें और उन्हें पता चले that they are the future of this nation और ये nation का future उनके कंधों पे है. आगे जाके future में ये देश को उन्हें ही चलाना है, तो वो एक अच्छे और सच्चे leader बने जो इस देश को अच्छे से चला सके. Children are the valuable asset of the nation and only hope for the tomorrow. So, जो बच्चे हैं हमारे आज के, वो बहुत valuable asset है इस country के, इस nation के, because आगे जाके वही future में India को चलाएंगे, वही hope है tomorrow के, वही हमारे hope है कि वो India को और developed करेंगे और तरक्की की ओर ले जाएंगे. In order to focus on children's status in every aspect, Chacha Nehru decided his own birthday to be celebrated as Children's Day. Forever India to enlightened India a day by making each and every child's future bright. तो चाचा नेहरू ने अपना बर्थडे इसलिए डिसाइड किया ताकि हर साल इंडिया में उसी दिन बच्चों का एक दिन खुशी वाला हो, उनके एक दिन को रोशनी से और खुशियों से भर दिया जाए और हर साल उनके बर्थडे के दिन बच्चे उन्हें याद करें और ये एक निश्चय ले कि वो इंडिया को तरक्की की ओर ले जाएंगे और वही इंडिया के होप हैं. Children's Day isn't only about the enjoyment of children and their reactions, but it is also a day to address their issues and solve their problem. The Children's Day sirf isliye nahi hota hai ki hum us din events manaye, khushiyan manaye, programs kare aur khele kude. Children's Day ka ek alag mahatva aur ek alag maqsad bhi hai ki us din hum un sare इश्यूज पे ध्यान दें जो बच्चों को तकलीफ़ दे रहे हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, जैसे बच्चों को एजुकेशन ना मिलना, बच्चों को अच्छे अच्छे खाने ना मिलना, बच्चों की अच्छी परवरिश ना होना, उनके हेल्थ को इफ़ेक्ट जो पड़ती है. तो हम चिल्ड्रंस डे के दिन ये निश्चय भी ले सकते हैं, ये कोशिश भी कर सकते हैं कि हम बच्चों के हित के लिए कुछ अच्छा करें उस दिन पर. तो उस दिन को हम एक ऐसे तरीके से ले सकते हैं कि बच्चों के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. There are many children in India who face poverty and hunger. Poverty मतलब गरीबी और hunger मतलब भूख. तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लाई करते हैं, मतलब वो गरीब हैं, उनके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो खाएं पिएं और इसके कारण वो भूख में रहते हैं. तो हम लोग ऐसा, अगर हम लोग एकजुट होएं और बच्चों के हित में कुछ अच्छा करें, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट उन बच्चों को दो वक्त की रोटी आराम से मिल सके, वो भूखे ना सोए, गरीबी में ना रहे, उनकी भी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो. तो सिर्फ इवेंट्स मनाना या खुशियाँ मनाना उन बच्चों के साथ जो प्रिविलेज्ड है, मतलब जिनके पास पैसे हैं, जनके पास सारी सुविधाएँ हैं, सिर्फ वो चिल्ड्रंस डे नहीं होता. आप चिल्ड्रंस डे इस तरीके से भी मना सकते हैं जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास कुछ भी साधन नहीं है, कुछ भी सामान नहीं है कि वो खुशी मना सके, तो आप उनके ज़िंदगी में भी थोड़ी रोशनी जला सकते हैं. These children could only dream of a square meal and nourishment. तो a square meal मतलब बस एक टाइम का थोड़ा सा खाना जिंदा रहने के लिए जो काफ़ी हो. तो ये बच्चे बस इतना ही ख्वाब देख सकते हैं कि उन्हें एक थोड़ा सा खाना मिल जाए ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल सके और वो थोड़े से तंदुरुस्त और चुस्त रहे. उनके नसीब में इतना भी नहीं होता कि उन्हें चार वक्त का अच्छा लग्जेरियस खाना मिले और वो अच्छे से खेले कूदे, क्योंकि वो पॉवर्टी लाइन में लाइक करते हैं तो उनका बचपन भी इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है. Sometimes they couldn't even get enough money to buy books. और कुछ बार ऐसा होता है कि उन्हें इतने भी पैसे नहीं मिलते कि वो बुक्स ले सके और अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके, क्योंकि अगर खाने को ही पैसे नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे.
Several NGOs work for the unprivileged children, distribute food, books and stationery items to the children of slum dwellers and other deprived areas. तो बहुत सारे ऐसे भी NGOs हैं जो बच्चों के हित में काम करते हैं, जो unprivileged मतलब वो सारे बच्चे जिनको कोई भी privilege नहीं मिलती, कोई भी luxury नहीं मिलती कि वो ज़िंदगी अच्छे से जी सके, जिनके पास कोई साधन नहीं होता, तो वो unprivileged बच्चों को खाना देते हैं, books और stationery देते हैं ताकि बच्चे पढ़ लिख सके, उन बच्चों को जो slum areas में रहते हैं, जो deprived areas में रहते हैं जहाँ इन सब की कोई भी facilities नहीं होती. Many citizens volunteer to give their time or money in this noble act. तो बहुत सारे citizens volunteer करते हैं, volunteer मतलब अपने free will से ये सब करते हैं और पैसे देते हैं, अपना time देते हैं ताकि वो बच्चों का future अच्छा कर सकें. Children from the poor financial backgrounds are made to feel special and concerned. तो children from poor financial background मतलब वो बच्चे जो एक अच्छे घर से नहीं आते, जो financial stable नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उन्हें special feel कराया जाता है, considered feel कराया जाता है कि आप भी इस दुनिया में एक special बच्चे हो, आपका भी एक role है इस दुनिया में और आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी help दी जाए. Though the gesture might seem temporary to some, nevertheless, it plays a vital role in leveraging their morale. तो ये जो gesture मतलब होता है एक act जो किया जाता है, वो भले ही कुछ लोगों को temporary लगती है कि एक दिन या दो दिन बच्चों को खाना देने से, book देने से क्या हो जाएगा, but जो बच्चों के पास ये सब नहीं होता उनकी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है, एक बहुत बड़ा leverage देती है morale को उनके कि अगर एक दिन हमें ये मिल सकता है तो हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारी life ऐसी हमेशा के लिए हो जाएगी. It has a long-lasting effect on their psychology and makes them realize that there are many good Samaritans in the world who are concerned with their problems and are eager to solve them. और ये बच्चों की psychology को भी effect करता है, उन्हें ये बताता है कि दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं जो उनके help करना चाहते हैं और उनके problems को solve करने के लिए बहुत उत्सुक है, eager मतलब उत्सुक. तो आज के इस वीडियो में हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन की. इस वीडियोस के जैसे आपको हमारे चैनल पे अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग पैराग्राफ्स की वीडियोस मिलती रहेंगे, आपको बस करना ये होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे. आपको हमारे चैनल पे अनायस बोर्ड से रिलेटेड सभी टॉप टू बॉटम जानकारी मिल जाएगी कि एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, आपको एडमिशन की फ़ीस और पेमेंट कब और कैसे करनी है, एग्ज़ाम्स कब और कैसे होंगे, एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की हेल्प भी आपको हमारे चैनल में पूरी तरीके से मिल जाएगी. आपको चैनल पे एग्जाम टाइम्स में सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे सॉल्व और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्व पीडीएफ्स और वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे. आपको हमारे चैनल पे सॉल्व टीएमएस के भी पीडीएफ्स और वीडियोस मिलते रहेंगे. तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि आप तुरंत जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे सारे वीडियोज़ को देखें और लाइक करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें.